प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सनानसरी की पैदलहज यात्रा को लेकर बात करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, सनानसरी इस वक्त में कहां पर पहुंची है और सनानसरी की तबीयत भी खराब हो चुकी है और सनानसरी ने अब कहां पर स्टे किया हुआ है, कौन है सनानसरी जो कि पैदलहज करने के लिए जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सनानसरी को लेकर ही बात करने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सनानसरी को नहीं जानते हैं, मैं उनको भी बताने वाला हूँ कि सनानसरी कौन है, कहाँ से चली है, पैदलहज यात्रा क्यों कर रही है। तो इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सनानसरी ने लाइव आकर के अपने सारे सवालों का जवाब दिया है और सनानसरी कहां पर है और कहां पर कब पहुंचने वाली है, सनानसरी ने सब कुछ बता दिया है। तो उनका ये वीडियो क्लिप भी देख ले, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, तबीयत मेरी सही नहीं है, सही नहीं थी। दो दिन से मैं बहुत बीमार थी, तो ट्रीटमेंट किया मैंने और अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ठीक है, ठीक हुई। तो इसलिए हम सफ़र करके जो है यहाँ पर आगे आ गए हैं, हॉनेस्ट होटल में। अजमेर शरीफ कब तक पहुँचोगे? अजमेर शरीफ पहुँचेंगे, अभी टाइम है इसको। कहाँ हो अभी? हम मेहसाना के पहले है, टोल नाके के बाद में जो हॉनेस्ट होटल लगता है वहाँ पर हम हैं अभी। एक्चुअली मेहसाना ही आज पहुँचने वाले थे, पर तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, इसलिए हम लोग ने 15 किलोमीटर में रेस्ट ले लिया है। आप लोगों की दुआ की वजह से अभी मेरी जो तबीयत है वो सही ठीक लग रही है थोड़ी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करिए अल्लाह ताला मुझे पूरी तरह से सही कर दे और मैं पूरी तरीके से सही हो जाऊँ। मैं अभी यहाँ पर हूँ मेहसाना से पहले, टोल नाके के पास में जो हॉनेस्ट होटल है, टोल नाका क्रॉस करने के बाद वहाँ पर मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबके लिए दुआ करिए और हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेख अली मासूद सद्दाम अंसारी बहन आगे भी दुआ करना, जी ज़रूर दुआ करेंगे। फिलहाल तो आप दुआ करिए मेरे लिए, तबीयत थोड़ी नासाज है मेरी। तो अभी मैं जो है वो यहाँ पर मैं सामने से थोड़ा पहले हॉनेस्ट होटल में सोबासन बाईपास के वहाँ पर हॉनेस्ट होटल में स्टे किया है मैंने अभी, और इंशाल्लाह कल मेहसाना पहुँच जाएंगे हम। आज ही मेहसाना पहुँचना था पर मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए हम नहीं पहुँच पाए वहाँ पर, इसलिए हमने मेहसाना के थोड़ा पहले हॉनेस्ट होटल में स्टे ले लिया है और इंशाल्लाह कल मेहसाना, फिर उसके बाद उंझा मीरा तथा फिर से पालनपुर छापी माउंट आबू ब्याह और अजमेर। तो आप सब दुआ करते रहिए, मेरी तबीयत सही नहीं है थोड़ी, तो दुआ करते रहिए, आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, दुआ करते रहिए, दुआ में याद रखिए। और यही तो जैसा कि दोस्तों आप सबने सुन लिया कि सनानसरी ने बता दिया कि वो हज कब करेगी और उनकी तबीयत भी अभी थोड़ी खराब है और उन्होंने एक होटल वहां पर स्टे किया हुआ है और सनानसरी अजमेर कब पहुंचेगी, उन्होंने सब कुछ बता दिया और वो आपने सुन लिया ही होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाएं सनानसरी के इर्द गिर्द खड़ी है और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। सनानसरी जिधर से भी गुजर रही है उधर से उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो दोस्तों, सनानसरी इस वक्त में कहां पर है और उन्होंने कहां पर सफर करके स्टे किया हुआ है, तो उनकी ये वीडियो क्लिप भी देख ले, फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।